चैत्र नवरात्र और नव संवत्सर की शुरुआत आज से हो गई है। प्रथम नवरात्रि में मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। कोरोना के चलते राजधानी शिमला के मंदिरों में भी प्रवेश वर्जित किया गया है। शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन कोरोना के चलते कम लोग ही मंदिर परिसर में पहुंचे हैं। वहीं कालीबाड़ी मंदिर के पुजारी का कहना है कि आज से चैत्र नवरात्र व हिंदू नववर्ष का आरंभ है। इन नवरात्रों का विशेष महत्व होता है। 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूप का पूजन किया जाता है। मंदिर नवरात्रि के प्रथम दिवस पर दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि वैश्विक महामारी कोरोना का दौर चला हुआ है और ऐसे में आस्था का अपना एक अलग महत्व है। 9 दिन माता दुर्गा का विशेष नौ रूप का पूजा होता है। आज प्रथमांग शैलपुत्री की, आज माँ शैलपुत्री का पूजन है। काल ब्रह्मचारिणी का होगा, ऐसे दूसरा तीसरा करके नौ दुर्गा का पूजन होगा। पूजा का ये संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ और माँ का भोग आरती, माँ का षोडश कोचार में विशेष पूजन का व्यवस्था ये होता है नवरात्र। व्यवस्था कोरोना के लिए देखिए, धर्म शब्द का अर्थ है आचार परमो धर्म। तो आचार ही परम धर्म है। आचार क्या है ना, सुष्ठु आचार, मैंने जैसे यहाँ का मास्क पहनना और हाथ बार बार हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना और माँ को माँ का पास प्रसाद चुन्नी वगैरह चढ़ाना, ये माना है एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से, मैंने डीसी का तरफ से माना है। प्रसाद किसी भी प्रसाद नहीं चढ़ाना। भक्त लोग तो धार्मिक लोग हैं, यहाँ सब सुन रहा है बात, हम लोग मना कर रहे हैं तो हाँ ठीक है। संक्रमण काल में आज माता के दर्शन करके हम यही प्रार्थना करेंगे कि इस नए वर्ष में, क्योंकि ये भारतीय नववर्ष भी है, इस नए वर्ष में इस कोरोना से ये जो महामारी फैली हुई है इससे हमारे छुटकारा मिले, सारी जितनी मानव जाति है वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और शीघ्र अति शीघ्र इस महामारी से हमारे को छुटकारा मिले, ऐसी प्रार्थना हर किसी को आज के दिन करनी चाहिए। नहीं, ये तो कोरोना के वर्जित किए जाने पे हमारे को कानून और प्रशासन के साथ सहयोग करना चाहिए, क्योंकि कोरोना सबके लिए घातक है और इससे बचने का हर कोशिश करनी चाहिए। और माँ के दर्शन भी जरूरी हैं, ये श्रद्धा और भक्ति का काम है। इसलिए हमारी यही था कि जो मिल रहा है उसको हर्षपूर्वक स्वीकार करें और माता से प्रार्थना करें कि आगे के लिए कोरोना हटाए और ताकि भक्त अपने खुले मन से और खुले भाव से दर्शन कर सके। TSR की कोई भी अपडेट मिस ना करें, हमारे फेसबुक पेज को आज ही लाइक और फॉलो करें। TSR डिजिटल टीवी, opinion to impact.